हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर फाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, क्या लेवल होता है और किस तरह से उन्हें हम बनाएंगे। आप जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क में 35 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं और टाइम होता है आपके पास 20 मिनट्स। उन 35 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर मिसिंग नंबर सीरीज के होते हैं, 10 क्वेश्चन डीआई से होता है और 10 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक से भी पूछा जाता है। तो इसी में घूमता है, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन आप जरूर कर लेते होंगे, डीआई भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो आपको मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि अलग जो आपको करता है भीड़ से वो है अरिथमेटिक। तो हम उसके क्वेश्चन आज यहाँ देखने वाले हैं। अरिथमेटिक के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 2022 का एक्चुअली ये पेपर है, तो 2022 में जो 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक में पूछे गए थे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस पर बात करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे ये बात कर लूँ कि देखिए ये एग्जाम आपसे क्या मांगता है। आप जानते हैं 85 में यहाँ आसाम में अब की बार 2022 में जनरल का कट ऑफ गया था 81। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा कट ऑफ चला जा रहा है। तो अगर आप 60 मिनट में 81 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक बहुत ज़बरदस्त कंसंट्रेशन, तभी जाके ये सही हो सकता है। बिल्कुल फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा भी सिली मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम लोग सिली मिस्टेक तो करते ही हैं। तो मैं आप अपनी एक खुद की आपको घटना बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो जब मैं एग्जाम देने गया तो मुझे लगता था कि अरे इसमें क्या है, तो बहुत इजी ही क्वेश्चन है, मैं बना लूंगा। लेकिन जब मैं एग्जाम में गया और एग्जाम प्रेशर में जब वो पेपर मैंने देखा तो मैं 28 अटेम्प्ट कर पाया और उसमें भी 6 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक के गलत हो गए। ठीक है, तो समझिए कि सब कुछ ठीक रहने के बाद भी वो जो प्रेशर है और जो ये सिली मिस्टेक की हमारी गलती है ये हमें बहुत हमारा साल खराब कर सकती है। तो फिर मैं जब घर आया तो मैंने सोचा कि इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि सिली मिस्टेक जो मैं ये कर रहा हूँ ये बहुत खराब है, और आप सब भी देखते होंगे आप सिली मिस्टेक करते होंगे। तो इन सिली मिस्टेक से कैसे ऊपर उठा जाए, इसके लिए देखिए एक तो बात है कि आप मॉक लगाएंगे ही, लेकिन मॉक ही काफी नहीं है। मॉक से ज्यादा है कि देखिए हमारे पास एक ही दिमाग है, अगर इस एक दिमाग को हम सही से ट्रेंड करेंगे, हर दिन ट्रेंड करेंगे, तभी वो एग्जाम में भी जाके परफॉर्म कर पाएगा। तो ये कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले तो मैं स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, उनका एक कोट आपको दिखाना चाहूंगा, इसे आप पढ़िए। ये जो कह रहा है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड, डू इट एज वर्शिप। देखिए ये एक हैबिट की बात है, आप जब कोई भी काम कर रहे हैं, ये नहीं कि बस एग्जाम बना रहे हैं जो पेपर बना रहे हैं तब, कोई भी काम इतने कंसंट्रेशन से करिए कि मतलब आपको लगे कि टाइम कहाँ है कुछ पता ही नहीं चले। जब आप कुछ बहुत कंसंट्रेशन से करते हैं तो जो टाइम का कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आप देखेंगे बहुत कंसंट्रेशन से कोई म्यूजिक सुन रहा है तो आपका आधा घंटा कब निकल गया आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो कोई भी काम ऐसे करिए ना कि फुल कंसंट्रेशन से। तो अगर ये हैबिट आप अभी से डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर तो आप देखेंगे कि एग्जाम के दिन भी जब आप जाएंगे तो आपका पहले से ही आपके पास तो एक ही दिमाग है, और वो ट्रेंड अगर हो गया है कंसंट्रेटेड रहने के लिए तो वहां एग्जाम में आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो देखिए मैंने भी इस पर काम किया और जो अब की बार एग्जाम हुआ था उसमें मैं आपको आपका अपना स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए मेरा स्कोर कार्ड था 2022 में, मैंने भी एग्जाम ये दिया था, और एक सेकेंड ये देखिए ये मेरा रिजल्ट है 2021 का, वो 22 का प्रीलिम्स का। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा 85 मार्क्स आया है और मैथ में मैंने 33 इसमें मार्क्स बनाए थे, लेकिन आप जानते हैं कि नॉर्मलाइज 33 क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन नॉर्मलाइज वो होता है अगर पेपर थोड़ा शिफ्ट है तो वो, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, बहुत लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो नॉर्मलाइज होकर वो 30 मार्क्स मेरा मैथ में आपको दिख रहा होगा, 30.25 मेरा रीजनिंग में आया और 23.75 या 24.75 आया है इसमें इंग्लिश में। तो इस तरह से मेरा 85 मार्क्स आया। इसका मैंने मेंस भी दिया तो मेंस में मेरे 40 में 26 मार्क्स आए मैथ में, और मेरा इसका मेंस में कट ऑफ से 0.75 नंबर इसलिए कमाया क्योंकि मैं करंट अफेयर, क्योंकि मैं मैथ में यहाँ पर हूँ इन्वॉल्व, तो करंट अफेयर उतना नहीं देखा था फिर भी, लेकिन 0.25 कम है तो आप जानते हैं पहला रिजर्व लिस्ट आएगा तो उसमें वो होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं उसका भी आपको ये दिखा दूंगा। तो वही बात है, आप जब काम करते हैं कंसंट्रेशन से काम करते हैं तो आपका इसमें जरूर अच्छा होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं और हम लोग बनाएंगे विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ, इसको आप ट्राई करिए फिर मैं भी बनाता हूं। ट्रेन ए
रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ट्रेन बी इन 20 सेकेंड. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 600 मीटर एंड बोथ द ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो देखिए रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है. अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेन जब किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसमें जो उसको टोटल डिस्टेंस चलना पड़ता है वो कितना होता है, तो दोनों ट्रेन का जो लेंथ है उसको प्लस कर दीजिए. तो दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो पहले से ही बता दिया है प्लस करके कि 600 मीटर है बोथ ट्रेन का, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसको चलना है दोनों ट्रेनों को तो वो क्या होगा 600 मीटर. अच्छा 600 मीटर चलना है और इसमें टाइम कितना लगा है, तो देखिए कह रहा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन 20 सेकंड, यानी जो 600 मीटर का दूरी है इसको दोनों ने अपने रिलेटिव स्पीड से क्रॉस किया होगा, उसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा. तो मान लेंगे अगर कि ट्रेन ए का स्पीड है ए और ट्रेन बी का स्पीड है बी, तो ये 600 मीटर जो दूरी है जो डिस्टेंस है इसको किस स्पीड से क्रॉस किया जाएगा, तो ए प्लस बी, दोनों का स्पीड प्लस होगा अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड आ जाएगा नीचे ए प्लस बी. तो ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड और इसमें टाइम लगा है कितना, तो 20 सेकंड. तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम. तो यहां से आप देखेंगे कि ए प्लस बी कितना आएगा, तो ए प्लस बी इधर जाएगा 20 इधर आएगा तो कैंसिल होकर आएगा 30. और देखिए चूंकि ये मीटर है और ये सेकंड है तो ये स्पीड भी किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में, यानी ए ट्रेन और बी ट्रेन का जो स्पीड है उसका सम कितना है, तो 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ट्रेन ए का स्पीड है 36, तो आप जानते हैं कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे 5/18 से. तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 2 बार 36, मतलब ट्रेन ए का स्पीड आएगा 10 मीटर पर सेकंड. देखिए 18 से 2 बार 36, 2 × 5 = 10. तो अगर ट्रेन ए का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और दोनों ट्रेन का स्पीड का सम है 30, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा 20, बी का स्पीड हो जाएगा 20. तो देखिए अगर ट्रेन बी का स्पीड आया 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो आपसे पूछा किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में देखिए मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर में जाना है तो इसका उल्टा 5/18 का उल्टा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई होता है तो 5 से 20 कट जाएगा 4 बार और 18 × 4 = 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा. तो देखिए अगर मैं समझता हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं तो इतना लिखना है, अगर मैं आप जब इस बात को समझेंगे, आपको समझाना नहीं है तो इतना सारा लिखने में, और ये भी पूरा आपको नहीं लिखना है, कुछ चीज इसमें मन में कर लेंगे, तो 40 सेकंड का क्वेश्चन है. तो बस अगर आप ये समझते हैं, आपने टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा बहुत देखा हुआ है, तो इसमें जानने का बात यही है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वो कितना लेंथ चलती है, दोनों ट्रेन के लेंथ के सम जितना, उतना डिस्टेंस वो लोग चलती हैं. दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो उनका जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड में, तो दोनों का स्पीड प्लस कर दिया और कितना टाइम लिया है वो भी लिख दिया 20 सेकंड. तो यहां से आप ऐसे करके बना लेंगे तो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था. दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन अ बिजनेस, आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन हिम विथ रुपीज 2x एंड ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट. एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 13950, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए. तो मैं आपसे पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है इसे आपको बोनस की तरह लेना है. पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप आसानी से बना सकते हैं. देखिए आपको करना क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट बढ़ता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, तो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में. आपके पास कितना पैसा था और वो कितने दिन के लिए एक्टिव रहा, उसका हम रेशियो निकालते हैं और फिर उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है. तो अगर ए की बात की जाए तो ए ने पैसा लगाया एक्स, और ये एक्स पैसा कितने दिन तक एक्टिव रहा, तो आप कहेंगे 4 महीने, तो इंटू 4. बी ने कितना पैसा लगाया 2x, और इसका पैसा कितने दिन एक्टिव रहा, तो देखिए एट द एंड ऑफ ईयर मतलब साल के अंत में, तो साल में 12 महीने होते हैं और बी 4 महीने बाद आया है बिजनेस में, तो 4 महीने बाद जब आया है और 1 साल में 12 महीने, तो इसका पैसा कितने दिन एक्टिव रहा, तो 8 महीने. तो ये कैपिटल हो गया 2x और टाइम हो गया 8, तो ये हो गया बी का. ए का देखिए क्या है, ए का एक्स पैसा 4 दिन तक एक्टिव रहा, 4 महीने तक एक्टिव रहा, और फिर 4 महीने बाद वो कह रहा है कि ए ने भी अपना पैसा, जैसे ही बी आया वैसे ए ने अपना पैसा डबल कर दिया. तो अब इन्वेस्टमेंट ए का कितना हो गया 2x, और जो इन्वेस्टमेंट 2x हुआ वो कितने दिन एक्टिव रहेगा, तो आप कहेंगे इंटू 8, 8 महीने एक्टिव रहेगा ना. ये जो एक्स इन्वेस्टमेंट है ये 4 महीने एक्टिव रहा, तो एक्स इंटू 4 लिखा, फिर 2x पैसा वो और लेके आ गया, तो ये जो 2x पैसा ये कितने एक्टिव रहा, तो 8 महीने.
है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल कितना आएगा, तो x इंटू फोर 4x और 2x इंटू 8 मतलब 16x, एंड टोटल हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे ये टोटल हो जाएगा 20x, है ना, और यहां पर है 16x, समझ रहे हो ना। देखिए ये जो है वो क्या है कि 2x पैसा 2x पैसा लेके नहीं आ रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दे रहा है, यानी ये कि जो पैसा x है वो 4 महीने तक रहा और अब उसका जो टोटल कैपिटल है वो 2x है, तो 2x 8 महीने तक रहा, तो इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जब आप रेशियो निकालेंगे इसका तो क्या आएगा रेशियो, एक्स एक्स तो कट जाएगा, 4 से कटेगा 5 बार, 4 से 4 बार, मतलब रेशियो आएगा 5:4 का, यानी जो प्रॉफिट होगा टोटल वो किस रेशियो में बटेगा, 5 और 4 के रेशियो में। तो अगर ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो है, यानी ए का शेयर कितना है 5 यूनिट, बी का शेयर कितना है 4 यूनिट, तो टोटल शेयर कितना हुआ 5 + 4 9 यूनिट, और ये 9 यूनिट किसके बराबर है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है 13950, 13950 के। तो अगर 9 यूनिट इसके बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो इतना डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, सेम चीज डिवाइड बाई 9, 1 यूनिट का वैल्यू ये होगा। और हमको 1 यूनिट का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए का शेयर, मतलब ए का शेयर कितना है 5 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 5 का कितना होगा इंटू 5, देखिए 9 से काटेंगे तो 9 से 1 बार, तो 4 बचेगा 49, 5 बार, फिर 4 बचेगा, फिर 5 बार और 1 जीरो, मतलब 1550 × 5, तो 1500 × 5 7500 हो जाएगा, और 50 × 5 2850, मतलब 7750, 7750 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए ये बहुत टाइम की चीज नहीं है, बहुत जल्दी, देखिए आप अगर सही से अर्थमेटिक सीख गए ना तो ये क्या होता है कि डीआई से आपको आसान लगने लगेगा, जबकि डीआई ज्यादा जल्दी बनता है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं डीआई से जल्दी तो ये मैं बना सकता हूं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन टू स्कीम इन द रेशियो 2:3 एट द रेट 20% पर एनम, ठीक है, एंड 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, इस तरह से इफ द मैन गेट अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम बोथ द स्कीम देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई मैन। देखिए ये मेरा खुद का भी सलाह है और आप इस बात को समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक के इस लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाए तो आपको पहले तो इसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में जैसे ये आ गया, आपको पता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको छोड़ के पहले आगे जाएंगे, जो क्वेश्चन आपसे जल्दी बनते हैं उन्हें बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए ए मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट इन टू स्कीम इन द रेशियो 2:3, तो मान लेंगे कि अगर 2:3 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा 2x और 3x, यानी हमने माना कि जो आदमी है उसने 2x पैसा और 3x पैसा जो है दो अलग अलग स्कीम में लगा दिया। जो पहला स्कीम है वो कितना परसेंट का उसको इंटरेस्ट दे रहा है, 20% का। तो आप समझते हैं इस बात को कि अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो जो 2x पैसा है इसमें 20% का इंटरेस्ट है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं कि 20% का इंटरेस्ट, तो 20% का फ्रैक्शन बनाइए तो आएगा 1/5, यानी 5 में कितने का इंक्रीज है 1 का, यानी ये पैसा 1 साल बाद अपने आपका कितना हो जाएगा 6/5, 5 में 1 का इंक्रीज तो 6 हो गया, मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल बाद ये पैसा इतना हो जाएगा। लेकिन ये पैसा तो 2 साल के लिए लगाया है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा फिर इंटू 6/5, क्योंकि फिर 20% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारा अमाउंट है, मतलब पैसा जो 2x है वो 2 साल बाद इतना हो जाएगा, लेकिन हमको अमाउंट तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो कि 2x है, यानी पहले स्कीम से मेरा इतना क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। उसी तरह दूसरे स्कीम में जाऊंगा तो वहां 3x है और वहां 10% का रेट है, तो वहां फ्रैक्शन बनेगा 1/10, यानी 10 में 1 का इंक्रीज, तो पहले साल ये पैसा 11/10 होगा और दूसरे साल फिर 11/10 होगा, तो ये अमाउंट इतना हो जाएगा और हमको चाहिए इंटरेस्ट, तो माइनस 3x कर देंगे, तो ये यहाँ से इंटरेस्ट आएगा दूसरे स्कीम से। अब मुझे पता है कि दोनों स्कीम का जो इंटरेस्ट है इसको अगर मैं सम करूं तो टोटल कितना आ रहा है, कितना उसको इंटरेस्ट मिला है 1208, तो इसका वैल्यू है कितना 1208, ठीक है, इसका वैल्यू है 1208। अब आपको इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए
अगर आप डरेंगे तो लगेगा कि कितना बड़ा चीज आ गया, क्या हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा फास्ट रहे अगर कैलकुलेशन में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे देखिए, यह है 25, 5 × 5 25, ठीक है। तो 25 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 × 2 50 हो जाएगा जब इसका एलसीएम लेके करेंगे। और यहां पर कितना है तो 6 × 6 36 × 2 72, यानी यह है 72x - कितना 50x/25, है ना, यही चीज है ना, ये पूरा सॉल्व करके। उसी तरह ऊपर यहां देखेंगे तो ये क्या है, तो ये है 10 × 10 100, तो 100 × 3 होगा 300x। और यहां क्या आएगा तो 11 × 11 121 × 3, मतलब 363x। तो ये माइनस है डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ऊपर वाला ये चीज आ जाएगा। अब नीचे वाले को मैं मिटाकर सॉल्व करता हूं, तो अब देखिए यहां से क्या होगा, 25 और 100 का ये प्लस है और यहां पर है 1208। 25 और 100 का एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे 100। अच्छा ये कितना है, 72 - 50, मतलब ये है 22। तो 25 से करेंगे 100 में तो कितना आएगा 4, और 4 × 22 मतलब कितना हो जाएगा 88, है ना, ये हो जाएगा 88x प्लस 100 से 100 में तो कुछ नहीं, यहाँ पे 63x इज इक्वल टू कितना जी, तो 1208। अब क्या होगा, तो ये 3 और 8 ऐड होकर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 8 11 और 6 और 8 14, मतलब 150, 1x/100 इज इक्वल टू 1208। तो अब यहां से आप जानते हैं कि 100 को उधर भेजेंगे तो इंटू 100 डिवाइड बाई 151 नीचे आएगा, तो 151। तो अब ये सब कुछ नहीं है, तो x का वैल्यू कितना आएगा इस तरह से, तो 151। देखिए आपको दिख रहा है कि लास्ट में 1 है और यहाँ पर लास्ट में 8 है, और ये कैंसिल होने के लिए ही दिया है। तो क्या होगा कि 1 है तो इंटू 8 करना पड़ेगा, तभी तो 8 आएगा लास्ट में, यानी देखेंगे कि इंटू 8 करने पर ही आ जा रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि 15 का टेबल वैसे भी 120 होता है, तो 8 बार में चला जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना आया 800, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 800। तो अगर x का वैल्यू 800 है तो हमने माना क्या है कि एक हमारा इन्वेस्टमेंट का 2x और एक था 3x, 2 और 3 का रेशियो था। तो 2x और 3x टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5x, और x का वैल्यू कितना है 800, तो 5 × 800 यानी 4000। तो इसका आंसर तो आएगा 4000, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग है, तो अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाता है सब बनाने के बाद तो ही इसे बनाए, और इसका आंसर वैसे 4000 आएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप पढ़िए। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 72 मीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इन मीटर। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 72 मीटर, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का क्या क्या होता है, तो एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, और उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। और इसका वैल्यू कितना दिया है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 84, है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 2 जाकर उधर डिवाइड करेगा तो 42, यानी इस रेक्टेंगल का लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 42। फिर कह रहा है ये एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर्स, मतलब पहले से ही इसका जो चौड़ाई है वो दे दिया है कितना 18, तो लेंथ कितना आ जाएगा, तो 18 जाके माइनस होगा, एल प्लस 18 इज इक्वल टू 42, तो लेंथ का वैल्यू कितना आएगा, ये जाके माइनस होगा तो आ जाएगा कितना यहाँ से 20 24, यानी लेंथ कितना है 24। तो अगर लेंथ 24 है और कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड दैट ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 72, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना 24 और साइड ऑफ ए स्क्वायर मान लीजिए ए है, तो इन दोनों का सम कितना है 72, है ना। तो यहां से साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 72 - 24, 72 - 24, तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया तो 4, 48, यानी
लेंथ जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितना है 48। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये आप भी समझते हैं इस बात को, उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बस। और ये सब लिख के नहीं करना, ये सब मन में कर सकते हैं। ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, आपको सीधा ऐसा सोचना है कि अच्छा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा 84, तो हाँ 2 जाएगा डिवाइड कर देगा। ये सब चीज़ें थोड़ा मन में करने से क्या है ना कि पहले से ही हैबिट बनाइएगा तो वो एग्जाम में भी मन में आप कर पाएंगे और गलती नहीं होगी। तो लिखने में टाइम लगता है, वो टाइम बचेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी टू कंप्लीट अ वर्क इज 4, 6, 3 रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल द थ्री टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। याद रखना है कि 3/4 ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। तो क्या करेंगे कि देखिए, एक है ए, एक है बी और एक है सी, है ना। तो ए बी सी है लोग, और इनका रेशियो क्या है 4, 6, 3 का। तो 4, 6, 3 ये इनका काम कंप्लीट करने का जो ये लोग गिन लेंगे उसका रेशियो है। तो अगर रेशियो ये है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 4x, 6x और 3x। मतलब रेशियो में किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो मैंने मान लिया कि ए को एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा, 4x, बी को कितना लगेगा, 6x, और सी को लगेगा 3x। इतने इतने दिनों में ये लोग जो है काम को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर ऐसी बात है तो आप जानते हैं कि हम लोग इन डेज का रेशियो लेके टोटल वर्क मानते हैं। तो 4x, 6x और 3x का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 12। यानी मान लेंगे कि 12x जो है वो टोटल वर्क है ना। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं, एक था 4x, 6x और 3x, ए बी सी, तो इनका एलसीएम दिया तो आया 12x, है ना। तो मैंने मान लिया कि 12x टोटल वर्क है। तो अगर ए को 4x दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4x से डिवाइड करेंगे तो 3। बी एक दिन में कितना करेगा, 2, और सी कितना करेगा तो 4, है ना। तो अगर तीनों लोग मिल जाएं तो टोटल काम कितना है, 12x, और एक दिन में कितना कर देंगे, तो 3 और 4, 7 और 2, 9। यानी टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी जो कि 9 है, तो इतना दिन लगेगा उनको पूरा काम करने में तीनों को मिलके, क्योंकि तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं और इतना करना है। तो टोटल वर्क बाई तीनों का एक दिन का काम डिवाइड करने से ये निकल जाएगा कि कितना दिन में ये लोग काम कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके। और तीनों मिलके बताया है आपसे कि काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताया है ना कितना, 8 डेज बोला है क्या। इफ ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट 8 डेज, इसका वैल्यू कितना है, 8। तो यहां से आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए, 4 से 1 कट जाएगा 3 बार, 4 से 2 बार, 3 से 9, 3 बार, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, तो 6, 3 × 2, 6, यानी x का वैल्यू 6 आया। तो टोटल वर्क मेरा कितना था, 12x, तो 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 6। लेकिन मुझे टोटल काम नहीं करवाना है, मुझे कितना काम करवाना है, 3/4। तो अगर ये टोटल वर्क है तो इसमें इंटू कर दो 3/4 से, 3/4 से, तो 4 से 12, 3 बार, तो 3 × 3, 9, 9 × 6, 54, यानी टोटल कितना काम करना है मुझे, 54 यूनिट, 54 यूनिट काम मुझे करवाना है। और किससे करवाना है, ए अलोन। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, आप देख रहे हैं 3, ए का ये एक दिन का काम है 3, तो 54 अगर टोटल काम उसको करवाना है और 3 वो एक दिन में करता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 18। यानी ए को कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 18 दिन, यानी ऑप्शन जो है ई आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये सब समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप एक बार इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो ये बहुत बड़ी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये 4, 6 का एलसीएम ले लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन में, 6 द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन इंक्रीज बाई 20% इन द सेकेंड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इफ 2 years ago इट वॉज 15,000। तो देखिए सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि 15,000 मेरा पॉपुलेशन है ना सिटी का, विलेज का, और यहाँ पर 10% का डिक्रीज हुआ है पहली बार। तो आप इस बात को समझेंगे कि देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो
10% का डिक्रीज मतलब कितना? 10% होता है फ्रैक्शन इसका 1/10, यानी 10 में 1 का डिक्रीज, तो इसमें 9/10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 90, है ना। और अगर आप ये फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे कि भाई 100 का 10% कितना होता है, तो आपको 100 का 10% आएगा 10, तो 100 में से आप 10 माइनस करेंगे तो भी 90 ही आएगा। फिर मैं कहूं कि अब जो ये पॉपुलेशन हो गया इसमें फिर 10% का और डिक्रीज है, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि अब 90 का 10% निकालेंगे तो 90 का 10% 9 आएगा, तो इसमें 9 का डिक्रीज मतलब अब पॉपुलेशन हो जाएगा 81, है ना। उसी चीज को कोई ऐसे भी कर सकता है कि अगर अगले साल भी 10% का डिक्रीज है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में 1 का डिक्रीज तो इंटू कर दो 9/10 से, 10 में 1 का डिक्रीज तो 9 होगा, तो 9/10, अब 10 10 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 81, यानी पॉपुलेशन कितना आ जाएगा मतलब इस तरह से। तो ये जो परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन बना के फिर इसका यूज करके यहाँ पे निकालते हैं, तो वही चीज यहाँ भी करेंगे। कह रहा है कि डिक्रीज हुआ है 10% से, 10% का फ्रैक्शन आएगा 1/10, तो 10 में 1 का डिक्रीज मतलब मल्टीप्लाई होगा 9/10 से। फिर कह रहा है 20% से इंक्रीज है, तो 20% का फ्रैक्शन बना 1/5, लेकिन अब की बार इंक्रीज है मतलब 5 में 1 का इंक्रीज, तो 5 में 1 इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5 से, और यही आपका जो है 2 साल बाद पॉपुलेशन में नेट चेंज आएगा। इस तरह से पॉपुलेशन दिखेगा 2 साल बाद, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 1500 कट गया, कितनी बार? 300। तो 300 इंटू कितना कर लें? 9, तो आ जाएगा 2700 इंटू 6, तो 2 0 6 7 जा 42 का 2 4 बचा, 6 2 जा 12 और 4 16, मतलब 16200 आपका पॉपुलेशन ये हो जाएगा 2 साल बाद। तो इस तरह से ये हम लोग परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला देखिए 7। कह रहा है शॉपकीपर मार्क्ड अप द शर्ट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ। अच्छा देखिए ये 11 1/9% है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा वो नहीं आपको समझ में आ रहा हो, पर वो लिखा है 11 1/9%, ठीक है, इस तरह से करके बनाइएगा 11, वो 111/9 नहीं है, वो 11 1/9% एंड 10% ऑन इट। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न्ड एंड डिस्काउंट गिवेन इज ₹200, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जानते हैं प्रॉफिट ऑन लॉस आपने पढ़ा है तो आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या है कि देखिए तीन चीज होती है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस। तो कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 50% अबव जो है कॉस्ट प्राइस से मार्क कर दिया किसी आर्टिकल को, तो मान लेंगे कॉस्ट प्राइस है 100x, तो इससे 50% अबव, तो इसका 50% 50x, उतना ज्यादा मतलब 150x, ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150x। कह रहा है कि अब इसमें क्या कर रहा है कि 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट मतलब वैल्यू कम होगा और 2 बार डिस्काउंट है। तो देखिए इस बात को समझेंगे, अभी हमने वो जो परसेंटेज वाला देखा फ्रैक्शन बना के फिर इसको यूज करना, वही यहाँ भी यूज होगा कि अगर 150x है मार्क प्राइस और डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, तो इसमें 11 1/9% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब यह है कि 11 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9, यानी कितना, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, 11 1/9% का मतलब होता है 1/9, ठीक है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9, यानी 9 में 1 का डिक्रीज, 9 में 1 का डिक्रीज होगा। 9 अगर 9 रुपया ही उसका मार्क प्राइस होता तो 1 रुपया का छूट दे देता और 8 रुपया में आपको सामान मिलता, वही बात है कि 9 में 1 का डिक्रीज है मतलब इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, 8/9 से, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, 8/9 से, 9 में 1 का छूट है तो 9 में 1 कम हो जाएगा तो 8/9 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर वैल्यू कितना रहता 9, तो 9 से 9 कट जाता तो वैल्यू कितना जाता 8, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है 8/9, पहला काम। फिर कह रहा है कितने परसेंट का डिक्रीज है, तो 10% का और डिक्रीज है, तो अब ये जो वैल्यू हुआ इसमें 10% और, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में 1 का डिक्रीज मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा 9/10 से, 10 में 1 का डिक्रीज तो 9/10, 9 से 9 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा 120x, यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा 120x, 2 डिस्काउंट देने के बाद
जो बोला है हमसे 10% और 11 1/9% का डिस्काउंट देने के बाद 150x का चीज 120x में बिकेगा। तो कह रहा है कि जो इसमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है आपको, 100x का चीज है और 120x में बिका, मतलब 20x का प्रॉफिट है। और जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितने का दिख रहा है, 30x का। तो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो 30x और 20x में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 10x का, इतना ही तो अंतर है इन दोनों में ना, तो ये 10x का डिफरेंस है। और इस 10x का वैल्यू कितना है, तो 200, जो डिफरेंस उसका वैल्यू कितना है, 200। तो अगर 10x का वैल्यू 200 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 20। तो अगर x का वैल्यू 20 होगा, तो आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है, 150x, और हमने x का वैल्यू निकाल ही लिया है, तो 150 इंटू एक्स का वैल्यू 20, तो 20 रख देंगे, करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 से 2 मतलब 3000 है ना, यानी 3000 इसका आंसर होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, जिसमें आपको परसेंटेज, देखिए मैं तो आपसे पहले से ही कहता हूं कि अगर आप बैंकिंग की एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, ये चार चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिनका हर जगह यूज है। ये चैप्टर नहीं है, ये मेथड है जिसका हर जगह यूज है। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं करते हैं, तो फिर वो दिक्कत होगा, आपको हर जगह दिक्कत होगा। लेकिन अपने ये परसेंटेज सेक्शन ये सब समझा हुआ है कि इतना परसेंट का डिक्रीज का मतलब क्या होता है, तो इसमें बन सकता है आसानी से। अगला देखिए, कह रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स अप स्ट्रीम स्पीड एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 19:5। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 31.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक, देखिए आप जानते हैं कि बोट और वाटर का आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 19:5। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या, वाटर है ना, जो जिस नदी में ये नाव चल रही है उस नदी का स्पीड, तो बोट का स्पीड है 19 और इसका स्पीड है 5, इस रेशियो में है। तो अगर रेशियो है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 19x और 5x। अब आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस वाटर, यानी 19 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24x। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर, तो 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14x। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स अप स्ट्रीम। मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, डाउन स्ट्रीम वाला 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो देखिए इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, अगर ये 5 ज्यादा है तो इसमें से ये माइनस करने पर 5 ही आएगा ना। तो इन दोनों का डिफरेंस है कितने का, 10x का। देखिए 24 माइनस 14 10x, और इसका रियल वैल्यू कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है ना, 5। तो यहां से आप समझते हैं कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/10 मतलब 1/2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 24x, तो 24 × 1/2 यानी 12, अप स्ट्रीम 14 × 1/2 मतलब 7। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या निकाल लिया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है 12 और अप स्ट्रीम स्पीड है 7। तो ये जैसे ही निकाला उसके बाद क्या ही करना है इसमें, तो ये निकाल देने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, करेंगे यही कि 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 31.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 12 के स्पीड से, तो ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, तो इतना टाइम लगेगा। 31.5 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है, तो वो चल रहा है जी अभी कितना निकाला था, 7, अभी हमने इसका निकाला था 12/7 डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो ये डिस्टेंस और ये स्पीड है, ये डिस्टेंस और ये स्पीड है, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये अप स्ट्रीम का टाइम है। तो यही पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से इसको चलिए काटते हैं, तो 12 से 3 बार में 36, 6 बचेगा पॉइंट देंगे 60 होगा, तो 5 बार। ठीक है, 7 से जब इसको करने जाएंगे तो देखिए 7 से 4 बार में 28, 29, तो कितना बचेगा, 3, 35 होगा मतलब 5, तो 4.5।
तो ये 3.5 और 4.5 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8 आवर, यानी जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना है 8 आवर। अगला देखिए, कह रहा है एक कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेशियो 3:5, इफ 16 लीटर द मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद लिक्विड क्यू देन इन द न्यू रेशियो ऑफ लिक्विड पी टू लिक्विड क्यू बिकम्स 1:1, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। देखिए अगर आप इसको जानते हैं तो देखिए कितना फास्ट आप इसे बना सकते हैं, एक लिखेंगे पी एक लिखेंगे क्यू। तो जब निकाल के, मैंने आपको पहले इसके वीडियो में बताया था एक बात कि किसी भी मिक्सर में से कुछ निकालने से रेशियो चेंज नहीं होता है, तो जब निकाल के ले जाएगा उसके बाद भी पी और क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 रहेगा। मतलब निकाल के कुछ लेके जो चला गया उसके बाद भी जो बचा उसका रेशियो कितना रहा 5:3 का। अब आगे क्या हो रहा है, आगे इसमें लिक्विड क्यू जितना लिक्विड जितना मिक्सर निकाल के ले गया उतना अमाउंट में लिक्विड क्यू ले आके फिर डाल देगा, और डालने के चलते पी और क्यू का रेशियो हो जा रहा है 1:1। तो देखिए ये बचा हुआ मिक्सर था उसमें रेशियो ये था, आगे चल के रेशियो ये हो गया। तो आप जानते हैं कि जो पी का क्वांटिटी है वो तो अनचेंज है क्योंकि जब आगे चल के जो उसमें ऐड किया जा रहा है वो सिर्फ लिक्विड क्यू ऐड किया जा रहा है, तो पी तो अनचेंज रहेगा ना, तो जो कह रहा है वो दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 1:1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5:5। अब मैं 1:1 कहूँ या 5:5 कहूँ एक ही बात है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको अब ये दिखेगा कि हाँ पहले P था 5 Q था 3, अब P है 5 जो कि था ही, मतलब सेम ही है क्योंकि उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, और Q कितना हो गया 5। इसका मतलब Q में कितने का इंक्रीज है, तो आप कहेंगे 3 से 5 हुआ, मतलब 2 यूनिट का इंक्रीज है। और असल में हुआ क्या है कि Q कितना लीटर ला के ऐड किया गया है, तो कह रहा है ना कि 16 लीटर 16 लीटर निकाला गया और 16 लीटर ही रिप्लेस कर दिया, मतलब 16 लीटर ही Q ऐड कर दिया, तो इस 2 का वैल्यू कितना है 16। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 8, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट का कितना होगा तो 40, 3 यूनिट का कितना होगा तो आगे 24, है ना। इसका मतलब जब वो निकाल के ले गया 16 लीटर उस समय उन दोनों का कितना था, तो 40 और 24 मतलब 64, और 64 में 16, तो ये तो 16 लीटर निकालने के बाद है ये वाला चीज, तो इसमें 16 और जोड़ देंगे इनिशियल के लिए तो कितना आ जाएगा 6 मतलब 70, 80, है ना। यानी इनिशियली उस पूरा मिक्सर का क्वांटिटी कितना था 80, क्योंकि देखिए निकाल के ले जाने के बाद जो बचा उसका हमने निकाल लिया कि उसमें कितना है, तो 40 और 24, क्योंकि 2 बराबर है 16 के तो 1 बराबर है 8 के, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 40 है और 3 यूनिट का वैल्यू 24 है। तो इस तरह से करते हैं इसमें, देखिए अगर देख रहे हैं आप नीचे कि नीचे 5:5 है, तो आप जानते हैं कि चूंकि ये रिप्लेसमेंट का सवाल है इसका मतलब जो क्वांटिटी इनिशियली था फाइनली भी वही होगा, क्योंकि जितना निकाला उतना तो रिप्लेस कर दिया। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिख रहा है तो फाइनली कितना क्वांटिटी है, तो 5:5 5+5 मतलब 10 यूनिट, तो 10, एक का अगर 8 तो 10 का कितना सीधे 80, तो ऐसे भी कर सकते थे। ये देखिए मिक्सर और उस चैप्टर में हम लोग रेशियो के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, और ये जब आप एक बार सीख जाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है करना ही नहीं है, एक बार बस रेशियो को इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना पड़ता है, नहीं तो आप एक्स वगैरह मान के बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ आप बना सकते हैं इसको, ये एज का क्वेश्चन है, तो ये आपका काम है कि इसको बनाइए और हमें कमेंट में आंसर बताइए क्या आपका इसका आंसर आया, और फिर हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अभी जो हमारा बैंक का एग्जाम आने वाला है तो इसको बिल्कुल आप एक फोकस्ड होके तैयारी शुरू करिए, और हम इसमें आपके साथ हैं, हम लोग पूरे अपने टीम के साथ लगे हुए हैं, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर होगा, और कोई भी आपको डाउट वगैरह भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।